एक एक अक्षर के पीछे एक शक्ति है। द अल्फाबेट्स आर पोटेंसीज। ये मंत्र शास्त्र में बहुत गहराई से इसका चर्चा होती है। वो भी वो शब्द वो अक्षर कैसे आया उसका भी बहुत वर्णन आता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो मन अमृत बीज है। माँ बोलते ही क्या होगा, हमारे हृदय में ऐसी ठंडक का अनुभूति होती है जिसके द्वारा एक बड़ा विशेष आनंद का अनुभव होता है। तो हर व्यक्ति को दो चीज की आवश्यकता होती है, वो है अनर्थ निवृत्ति और इष्ट सिद्धि। अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट सिद्धि, यानी अनिष्ट मतलब क्या है, जो हमको अवांछित चीजें हैं जो नहीं चाहिए उससे मुक्त होना है। वो क्या है, पाप, पाप प्रवृत्तियां, इससे मुक्त होना है। रा बोलने से सारे पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाते हैं। माँ बोलने मात्र से क्या होता है, ऐसा सुंदर अमृत का वर्षा हृदय में हम अनुभव करते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं, जो रामा बोलने मात्र से दोनों प्राप्त है। तो रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। जब धर्म शब्द की बात आती है, धर्म दो प्रकार का है। एक धर्म जो है जो हमारे शरीर के संबंधित धर्म, दूसरा धर्म क्या है, आत्मा के संबंध में हमारा धर्म होता है। अभी आश्चर्य की बात यह है, भगवान रामचंद्र चार रूप में प्रकट होके हमको दो प्रकार का धर्म सिखाया। एक कौन सा है, शारीरिक धर्म, दूसरा क्या है, वो है हमारा आत्मा के संबंध धर्म। तो हमारा जो शरीर के साथ संबंध के जो धर्म है, ये धर्म भगवान स्वयं रामचंद्र सिखाए, और आत्मा के साथ जो संबंध का जो धर्म है वो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन तीनों ने सिखाया। अभी इस संसार में हम जीवित है, हम शरीर को भी देखभाल करना है, शरीर के संबंधित लोग हैं उनके साथ हमारा संबंध रहता है, तो उन संबंधों के अनुसार हमारा कुछ कर्तव्य होता है, उसको धर्म कहा गया है। यानी शारीरिक धर्म की बात हो रही है। ये शारीरिक धर्म का अर्थ क्या है, इस संसार में हमारे अनेक अनेक लोगों के साथ संबंध होता है, उस तो संबंध के अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको धर्म कहा गया है, वो करना अनिवार्य है। जैसे एक माँ है, बच्चे का प्रति एक संबंध है, उस संबंध के आधार पर कुछ धर्म है। वो माँ भी है किसी की, वो पत्नी भी है, और वो किसी की बहन भी है, और किसी की बेटी भी है, और किसी की पड़ोसन भी है, किसी के वो रिश्तेदार भी है, तो किसी के सहेली भी है। अब देखिए, व्यक्ति एक है लेकिन कितने सारे संबंध, और इस संबंध के अनुसार क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो वो कर्तव्यों को निभाना, संबंध के अनुसार कर्तव्यों को निभाना, उसको क्या कहा गया है, धर्म कहा गया, शारीरिक धर्म कहा गया है। इसको हमको आचरण करना जरूरी है। ये बाह्य है, बाह्य धर्म है, शरीर बाह्य होने के नाते हमारा एक बाह्य धर्म होता है, इसको भी हमको आचरण करना चाहिए। ये बाह्य धर्म को सिखाने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र आए। अन्य तीन रूपों में उन्होंने आध्यात्मिक धर्म को सिखाया, अंदरूनी धर्म को सिखाया, लेकिन वो बाह्य धर्म को भगवान रामचंद्र ने स्वयं अपने जीवन में आचरण करके सिखाया। देखिए, भगवान रामचंद्र के जीवन में हम क्या क्या सीख सकते हैं, उनके साथ संबंध किसका नहीं, एक केवट का है, यानी जो जहाज यानी नाव चलाने वाला, वो निम्न जाति के होते, जंगल में निवास करते, वैसे लोगों के साथ उनका संबंध, निषाद के साथ, और एक पक्षी के साथ, और एक राक्षस कौन है, रावण का भाई विभीषण, उनके साथ, और बात वो बात तो छोड़ो, कम से कम विभीषण राक्षस जाति में था, एक सुग्रीव वो कौन सा था, कौन सा जाति का था, वो एक बैर जाति का था, एक अलग प्रकार का जाति, वानर भी नहीं बोल सकते, वानर जाति समझ, वानर जैसे समझ लो, वानर में भी वैरायटी होती, अलग वैरायटी का था। उनके साथ भी भगवान रामचंद्र का संबंध, और अयोध्या के प्रजा के साथ संबंध, जब भगवान रामचंद्र का रथ निकल पड़ा, जब सुमंत्र उसको चलाते चलाते राम लक्ष्मण सीता को रथ के और बैठा के जब रथ जा रहा था, अगर वो दृश्य अगर आप पढ़ोगे, इस पे रामायण में पढ़ोगे, आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा था कि वृक्ष भी उस दृश्य को देखे, भगवान को जाते हुए देख के सूख गए,
बड़े बड़े सुंदर सुंदर तालाब थे, वो दृश्य, वो रामचंद्र तालाब से वो जा रहे थे, विरह था, आपको अनुभव नहीं कर पा रहे थे, सारे तालाब भी सूखे, आंखों में आंसू, किसको, हाथी को, घोड़े को आंखों में आंसू बहने लगे। अब देखो कितना प्रेम करते होंगे भगवान रामचंद्र से। अभी आजकल प्रजा क्या चाहती है, राजा है, कब जाएगा ये, ऐसा सोचती है। अभी उस समय भगवान रामचंद्र के साथ संबंध किस कैसा था, ऐसा था कि अगर कोई पूछता था किसे, राम का दर्शन हुआ सुबह सुबह, पूछता था राम का दर्शन किया नहीं किया, छी बोल देते, मतलब क्या क्या पता नहीं मेरे आज किसका चेहरा देखोगे, अभी सामने से आ रहा है, राम का दर्शन किए बिना आ रहा है तो अरे रे आज मेरा दिन खराब हो गया, इसका इसका क्या दर्शन किया मैंने, तो जिसने राम का दर्शन नहीं किया उसका दर्शन करके मेरा मेरा जीवन खराब हो गया, आज का दिन खराब हो गया। बाद में जी राम का दर्शन करेंगे तो आ गया, राम ने तुमको दिखा, कृपा दृष्टि मिला नहीं मिला, ऐसा ऐसा बोल देता, अरे रे क्या जीवन, क्या फायदा जीवन जिसका, राम का कृपा दृष्टि तुम जिसके ऊपर नहीं है, क्या फायदा, आज का दिन बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। अगर ऐसे अगर बोलते जाए ना अभी आज रास्ते में ऐसा हमको शास्त्र में कहा गया है, जिसके माथे पे तिलक नहीं है अगर उसको दर्शन करोगे आपको गंगा में जाके 3 बार डुबकी मारना पड़ेगा, शास्त्र में लिखा गया है। जो भगवान का भक्त नहीं है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे बात है, मातृक्षम क्षीण पुण्यान भवतो भक्ति नाम पदाब्जे, ऐसा पूरा अयोध्या में ऐसी एक स्थिति, राम के प्रति इतना प्रेम था तो राम का दर्शन किए बिना एक ब्राह्मण था वो खाना भी नहीं खाता था। एक बार भगवान रामचंद्र कहीं 1 महीने के लिए जाना पड़ा तो ब्राह्मण ने खाए नहीं, 1 महीना खाए नहीं, तब भगवान रामचंद्र और ब्राह्मण को खबर मिली ऐसा 1 महीना खाए नहीं, तो राम को बहुत दुख लगा कि मेरा एक भक्त मेरे विरह में या मेरा दर्शन किए बिना 1 महीना उपवास किया और मैं खा रहा था पूरा 1 महीना, ऐसा कैसे हो गया करके स्वयं भगवान रामचंद्र ने अपना ही एक विग्रह को उनको प्रदान किया, इसको आप पूजा करो, ये समझो कि ये विग्रह जो है मैं ही हूँ, मेरे से अभिन्न है, और ये जो विग्रह है भगवान रामचंद्र का विग्रह जिसका मूल राम विग्रह कहा जाता है, इसकी पूजा इक्ष्वाकु ने किया था, इसकी पूजा उनकी पिताजी दशरथ ने भी किया था, वो जो विग्रह है उस ब्राह्मण को प्रदान किया। हम देखो कितने प्रेम है भगवान रामचंद्र का अपने अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या वासियों का प्रेम जो है भगवान रामचंद्र का, कितना प्रेम है, जैसे भगवान रामचंद्र का पट्टाभिषेक हुआ, होने के बाद क्या किया, सबसे पहला कार्य क्या किया भगवान रामचंद्र ने, सर्वदाना यानी सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, जो भी उनके आस्थान में सब कुछ है, सीता जी को बुलाया ताकि जो भी जेवर है सब निकालो और ब्राह्मणों को दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा हे भगवान हम तो सारा साधारण लोग हैं, साधारण ब्राह्मण हैं, तो हमको ये सब संपत्ति से क्या लेना था, हमारा संपत्ति तो केवल विद्या ही हमारे संपत्ति है, उससे बढ़कर संपत्ति हमारा नहीं है, ये सब संभालने की योग्यता हमारे पास नहीं है, अब भले ही आपने हमको दान दिया लेकिन आप राजा हो वापस हम दे देते, ये है भगवान रामचंद्र का विशेष प्रेम, सब दे दिया और बात प्रजा ने क्या किया वापस उनको दे दिया। ऐसा आप सोच भी सकते हो इस प्रकार का कोई राजा हो, इस प्रकार का कोई प्रजा हो, नहीं सोच सकते, ये अयोध्या के समय का प्रेम था रामचंद्र का, पर्सनल रिलेशनशिप, भगवान राम से दर्शन करते रोना, प्रेम में रोना, ऐसा स्थिति थी, ये राम का पर्सनैलिटी, देखिए एक व्यक्तित्व, व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, इस संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में लोगों के साथ कितना गहरा संबंध होना चाहिए, आपके बिना जी नहीं सके इस प्रकार के गुणों को विकसित करना चाहिए। देखिए बहुत सारे चीजें हैं इस संसार में आपको पैसे से खरीदो मिल जाता, ठीक है, एक ऐसा चीज बताओ, ऐसा दुकान बताओ आपके चित्तौड़ में जहां मैं 1,00,000 रुपए दूं, 50,00,000 रुपए दूं जिसके द्वारा मैं सद्गुणों को खरीद सकूं, ऐसा दुकान है आपके घर में, कोई बच्चे दुष्ट स्वभाव के हैं, अभी
उसको खिलौना खरीद के दे सकते हो आप, बाजार में होता है, कपड़े खरीद के दे सकते हो, जो भी मान लो जो भी खाने का आइटम है होटल में जा खरीद के दे सकते हो आप। बचाओ बताओ उसको, उसको सदगुण को खरीद के कहां से दोगे? सदगुण भी चाहिए ना व्यक्ति को, अच्छे गुण चाहिए, क्योंकि अच्छे गुणों की वजह से ही व्यक्ति वो लोगों के आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे आप सुखी रहोगे, आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है, निंदा करता रहता है, शांति से जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। भले आप, भले ही आपके पास करोड़ों रुपए लाखों रुपए हैं, कोई फायदा नहीं है। आपके पास जो है 5 करोड़ बंगलो है और हर महीना जो है 25 लाख रुपए बैठे बैठे भाड़ा आता है, लेकिन घर में आप जाओ तो आपकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, बिना कारण गुस्सा करती है, बोलती क्या फायदा है सब चीजें, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, ऐसे बड़बड़ बड़ बोलते, क्या होगा आपको? आत्महत्या भी नहीं कर सकते आप, किसी को बोल भी नहीं सकते, दुख बोल सकते हो तुम? सब लोग बोल रहे हैं आप कितना भाग्यवान हो, आपको मालूम है आपका भाग्य क्या है? ऐसे लोगों के साथ रह के शांति से कोई जी सकता है? इसलिए सदगुण महत्वपूर्ण, ये सदगुणों से भरे हुए सारे गुण, और संसार में गुण गुणवान, इसलिए आपने वाल्मीकि रामायण को सुन रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, आपने सुना होगा कि गुणवान ये सबसे पहला गुण, अनेक गुणों में सबसे पहला गुणवान पूछा गया था और अनेकों 16 गुणों का वर्णन किया। ऐसा मुझे व्यक्ति नाम व्यक्ति का वर्णन करो जिसके पास है 16 के 16 गुण पूर्ण रूप में है। खैर उस गुणों के बीच में जाएंगे नहीं, बात ऐसा है कि भगवान रामचंद्र अपने हृदय में अनेकों अनेकों दिव्य सद्गुणों की वजह से सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। व्यवहार देखिए, जब तक व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आप कितना भी आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए प्रयास करो कोई फायदा नहीं होता, इससे व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसकी व्याख्यान करते हुए उन्होंने भगवद गीता के 13वां अध्याय का 8 से 12वां श्लोक का सारांश दिया। उनमें से सबसे पहला 19 बातों को वर्णन करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा कि वन शुड बी ए जेंटलमैन, ए डिवोटी मीन्स ए भक्त, मतलब कौन है सबसे पहला क्या उनको एक जेंटलमैन होना चाहिए। अमानित्वम अडम्बित्वम वाला अमानित्वम शब्द का श्रील प्रभुपाद जी कैसे करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं, जेंटलमैन वर्णन करते हैं। जब तक आप जेंटलमैन नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भक्ति बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो भगवान रामचंद्र ने सिखाया हाउ वन शुड बी ए जेंटलमैन, उनका व्यवहार हर व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक बाह्य उनका उनका एक प्रवृत्ति, बाह्य धर्म, बाह्य प्रवृत्ति भगवान रामचंद्र ने सिखाया, इतना प्रेम। अब देखो केवट एक गंगा पार कराया बस उतना ही, लेकिन भगवान रामचंद्र को, लेकिन जब सीता का रावण का वध हो गया, सीता का भी अग्नि परीक्षा भी हो गया, उसके बाद अभी पुष्पक विमान में बैठ के भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस लौट रहे, उस समय उनको मालूम था थोड़ा सा अगर देर हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा भी देर हो जाए तो भरत अग्नि प्रवेश करे। तो भगवान ने कहा, रामचंद्र कहा, हनुमान तुम जल्दी जाओ, जाके भरत अग्नि प्रवेश करने वाला है उनको जाके बोलना कि मैं पहुंच रहा हूं, बस इतना खबर देना। तो हनुमान अभी बस अभी उड़ने ही वाले थे, समय राम ने कहा ना जब जाने के समय ना बीच में गंगा है उधर उतरना, उधर के उधर एक केवट उनको बोलना कि मैं वापस आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे गंगा का इधर से उधर पार कराया था, मैं विमान से आके उधर उतरूंगा, गंगा को पार कराएगा वापस मैं जाऊंगा, और उनको भी बोलना। और कौन है वो हनुमान मंदिर, कौन है अभी ये परिस्थिति में, उनका भाई अभी अग्नि प्रवेश करने वाला है, उनको जल्दी पहुंचना है, ये परिस्थिति में वो केवट का क्या स्मरण कर रहे हैं, उनको क्या मिलना, उनको जाके क्या बोलना है, ऐसे मन में थोड़ा संकोच था, है कौन है केवट, क्योंकि हनुमान ने तो दिखा नहीं था केवट को। तब रामचंद्र को पता लगा हनुमान संकोच कर रहे हैं क्योंकि जानते नहीं, तो उन्होंने कहा ये निषाद राजा है, वो कौन है मालूम है, आत्म प्रिय सखा, केवल सखा नहीं कहा, केवल प्रिय नहीं कहा, बल्कि उन्हें क्या कहा, आत्म प्रिय सखा,
मेरा ऐसा मित्र है वो, मेरा अप्रिय मित्र है। किस प्रकार का प्रिय है? मेरे लिए मैं जितना प्रिय हूं, जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही मैं उस केवट से प्रेम करता हूं। आपका प्रिय सका उनको बोलो, बाकी बात तो छोड़िए, उनका देखो एक एक छोटा सा सेवा किया भगवान ने, उनको याद किया। बाजी मिल सकते थे या नहीं? अभी जा रहे थे पापा, तो सारे वानर सेना थी, उनको उन्होंने कहा हम भी जाएंगे आपका अयोध्या देखने जाएंगे। राम ने कहा कि आप भी चलो साथ में। लेकिन वो पुष्पक बाण का रास्ते में उन्होंने क्या डाइवर्ट किया, किष्किंधा की सारे बंदर बोलने लगे इनको, राम को हम इधर छोड़ देंगे, ऐसा लगता है कि भगवान जो है भी वो भी तो हमारा काम तो हो गया, अयोध्या तो बड़े बड़े लोगों का स्थान है, बंदरों को वजह से डिस्टर्ब होगा, ऐसा लगता है राम ने हमको ऐसे ही बोल दिया मैं लेके जाऊंगा अयोध्या। लेकिन अभी उनका पूरा चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी हमको इधर ही किष्किंधा भी उतारने वाले। राम ने देखा सबके मन में ऐसे चिंता चल रही थी, देखो आप लोग मेरे साथ में आए हो, आप सब लोग मेरे साथ में आए हो और मेरे साथ युद्ध किया, मुझे दिखाया, इसके पीछे किसका हाथ है मालूम है? आपकी आपकी पत्नियों का हाथ है। अगर आपकी पत्नियां आपको छोड़ती नहीं तो हमारे मेरे साथ आ सकते थे, तो आप अकेले मेरे साथ में आओगे अयोध्या और उधर का उत्सव मनाओगे, आपकी पत्नियां क्या सोचेंगी? उनको भी साथ में चलना, लेके चलना, आपके परिवार वालों को साथ में लेके चलना। किस किस के बारे में सोच रहे हैं? एक्चुअली सोचने की जरूरत ही नहीं भगवान रामचंद्र को, इन सबको ठीक हो गया, काम हो गया, जाओ अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव होने वाला है, राम का पट्टाभिषेक, उसमें सब कौन है, बंदरों को कौन कौन पूछने वाला है, बड़े बड़े देवता लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन भगवान राम ने ठीक है बंदरों को देखभाल किया, लेकिन उनके उस समय जो उन बंदरों ने भी विचार नहीं किया होगा अपने, मैं अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों को साथ में लेके चलूंगा, लेकिन राम ने विचार किया, उनके मन में इस प्रकार विचार आया। इसको बोलते संबंध। देखिए अच्छा होना, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में कीर्ति प्राप्त करना, ये आजकल इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। तो लोग सोचते हैं कैसे भी करके मैं एक सत्ता प्राप्त कर लूं या किसी ना किसी तरीके से मैं धन एकत्र करूं, अमीर बन जाऊं, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनूं उसके विषय में कोई विचार नहीं करता। भले ही उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आए, एक अच्छा व्यक्ति जो धर्म को पालन करता है, लोगों का हित सोचता है, वो व्यक्ति का रक्षा स्वयं भगवान करता है, और जिसका रक्षा भगवान स्वयं करते हैं उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण जिसको मारना चाहते उसको रक्षा कौन कर सकता? अगर कृष्ण जिसको टाल लिया मैं इनको रक्षा करूंगा तो मार कौन कर सकता, उनको कौन मार सकता है? ये भगवान रामचंद्र। अब इनकी बात तो छोड़ो, ये तो कौन है, ये उनके भगवान रामचंद्र के सहायता किए थे बंदर लोगों, और उनके जो पत्नियां उनकी परिवार वालों के विषय में सोचना जो स्वाभाविक है, सोच सकता है। अभी क्या हुआ, रावण का मरा हुआ लाश पड़ा हुआ, उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? रावण का अंतिम संस्कार कौन करेगा? उनका भाई तो करना चाहिए विभीषण। तो राम ने कहा विभीषण जाओ अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने कहा जिसने आपका पत्नी का अपहरण किया है वो है कौन? वो तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर है, जानवरों का भी अंतिम संस्कार थोड़ी ना होता है, पड़े रहने दो उनका। ऐसा विभीषण उनका मुंह तक नहीं देखा रावण का, ऐसा निकल गया। भगवान रामचंद्र दंग रह गए, क्या करे, अभी लाश पड़ा हुआ है तो अंतिम संस्कार कौन करेगा? उधर मंडोदरी रो रही करके रो रही, इतना जोर जोर से रो रही है, रोना एक तरीके से डांट रही है रावण को, मेरी बात अगर एक बार सुन ले यह अवस्था तुम्हारी, वापस तो पति है फिर भी रो रही है। क्योंकि प्रतिव्रताओं में एक नाम आता है मंडोदरी, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी तथा पंचकन्यास परिनित्यम महाबातक नाशनम, इन पांच को कन्या कहा गया है, पांच विवाहित है, इन पांचों में कुछ तो कुछ दोष है, इसे मंडोदरी, इनके पति कौन है? रावण, फिर भी उनको पतिव्रता माना गया। पंचकन्यास परिनित्यम महाबातक नाशनम,
जो मंडोदरी का स्मरण करता है महापातक नाश होता है, शास्त्र कहता है। तो भगवान रामचंद्र मंडोदरी का रोना सुन रहे हैं, चेहरा नहीं देखे, खाली उनके चरणों को देखे, और राम भी रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? ये मंडोदरी का दुख को देख के उनका हृदय ऐसा द्रवीभूत हो गया, मंडोदरी से ज्यादा रो रहे, जितना मंडोदरी का दुख है उससे ज्यादा दुख होने, क्या कर दिया इतनी महान पतिव्रता। देखो जिन्होंने अपनी पति को सदुपदेश दिया था, ऐसी स्त्री का मैंने पति का वध कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया करके राम। अभी उनको अंतिम संस्कार भी कौन करेगा, विभीषण जा रहा है तो राम ने विभीषण को बुलाया, उनका भी ज्वर रहा, राम राम के हृदय में ज्वर, ऐसा ज्वर पूछो मत। तो विषम संकट में जरा एक स्त्री रोई, भाई जो उसको अंतिम संस्कार करने के तैयार नहीं है, विभीषण को बुलाया, पंचमम भ्रातरम, हे विभीषण तुम लोग जो है, हम चार भाई नहीं है, तुम मेरे भाई हो, तुम पांचवा भाई हो, होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है क्या, रावण का अंतिम संस्कार करना, दान संस्कार करना तुम्हारा करते, और एक भाई अपना कर्तव्य नहीं करता है तो उस कर्तव्य का जवाबदारी किसके ऊपर आता है, मेरे ऊपर आता है, मैं करूंगा। ऐसे रामायण में ऐसे ऐसे प्रसंग है जहां भगवान रामचंद्र का दुश्मनों के साथ भी संबंध, देखो मित्रों की बात तो छोड़ो, दुश्मनों के साथ भी उनका क्या संबंध है, कितना अच्छा व्यवहार है। ये व्यवहार ये रामचंद्र लीला से बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई धर्म कैसे निभाना चाहिए, उन्होंने भगवान रामचंद्र ने सिखाया। ठीक है, अभी इसके ऊपर चर्चा होने के बाद दूसरा, अभी अंदरूनी जन आध्यात्मिक हमारा जो जीवन है, जो आत्मा के संबंध का धर्म है, उसको सिखाने के लिए तीन लोग आए। कौन तीन? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो हमारे जो अंदरूनी आत्मा का जो धर्म होता है उसको सिखाने के लिए तीन लोग क्यों आए, उसका कारण क्या है, उसके लिए जानना होगा संक्षिप्त में। लक्ष्मण का आसक्ति किसके प्रति था? राम के प्रति था। और भरत का आसक्ति किसके प्रति था? राम की सेवा के प्रति था। और शत्रुघ्न का आसक्ति किसके प्रति था? राम के सेवक के प्रति। एक राम के प्रति आसक्त, कौन? लक्ष्मण। दूसरा राम के सेवा के प्रति आसक्त, तो कौन है वो? भरत। और तीसरा राम के सेवक के प्रति आसक्त, तो वो कौन है? शत्रुघ्न। तो आप बोलोगे ब्रोजी तीनों में एक हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों के तीन पालन करना पड़ेगा। हम खाली ये तीन रूप में प्रकट हुए भगवान, यानी चार रूप में से एक तो राम हो गए, ये तीन रूप में प्रकट होके हमारे आध्यात्मिक धर्म यानी आत्मा का धर्म जो है उसके जो तीन विभाग है उसको सिखाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तीनों में कोई ना एक चीज करेंगे, ऐसा नहीं है, ये तीनों के तीनों को स्वीकार करना होगा, लेकिन ये तीन कैरेक्टर के द्वारा भगवान ने सिखाया ये आत्मा का धर्म होता क्या। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन, लक्ष्मण के विषय में कहा गया है, नच तेन बिना निद्राम, लक्ष्मण जो है राम के बिना सोते नहीं, राम सोए उसके बाद सोए बस, मृष्टान्नमपि, थोड़ा सा अन्न भी वो ग्रहण नहीं करना चाहते थे लक्ष्मण। लक्ष्मण का इस प्रकार का विचार था कि राम आएंगे तभी मैं उसी को स्वीकार करूंगा। तेषाम अपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टा सर्वस्य लोकस्य शशांक निर्मलः रजस्कंदी अश्वपुष्टे च ततश्चतुर्थो सम्मतः धनुर्वेदे च रतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यादपि प्रवृत्त हि सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भर्तुः ज्येष्ठा निरतः सर्वप्रियकरः तस्य रामस्य अपि शरीरतः रामस्य अपि शरीरतः सर्वप्रियकरः। राम के लिए और प्रीति इतना है कि वो सुखी रहे बस, राम सुखी रहे बस,
शरीरतः, उनका शरीर का मसाज करना, उनका बेड बनाना। राम ने बोला देखो जाओ थोड़ा सा वो अयोध्या में कुछ काम है वो करके आओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो क्यों? नहीं आपका बेड बना रहा हूँ, आपके लिए भोजन बना रहा हूँ, आपके लिए वो मसाज करना पा। यानी आपने भले ही बोला वो काम करो, अगर आपके डायरेक्ट संबंध में नहीं तो मैं नहीं करूंगा। डायरेक्ट संबंध में तब बताओ, यही मैं करूंगा। यानी मेरा आसक्ति जो है आपके प्रति, आपके वपु के प्रति। इसलिए शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण इव अपरः। भगवान रामचंद्र कैसे थे लक्ष्मण के लिए? वही प्राण। राम बाहर है लेकिन लक्ष्मण का प्राण, लक्ष्मण का प्राण लक्ष्मण में नहीं है, लक्ष्मण के शरीर में नहीं है, कहाँ है? भगवान राम। यदि ही हे मारूढ़ो मृगेन याति राघव, तो जैसे भगवान रामचंद्र हे मारूढ़ जो घोड़े के ऊपर चढ़ के वो जा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे पीछे भागता है, रुको 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 रुको, भागते भागते वो उसी घोड़े को चढ़ जाता है। अथयेनम पृष्ठतः अभ्येत स धनु परिपालयन। तो पृष्ठतः मतलब पीछे से, पीछे से आके धनुष लेके भगवान राम की रक्षा करें। तो ये अभी भगवान और रामचंद्र के बीच में, लक्ष्मण के बीच में इतना गहरा संबंध। जब राम ने कहा लक्ष्मण को मैं जा रहा हूं, तो लक्ष्मण ने कहा मैं भी आऊंगा साथ। बहुत बहुत बताया, इतना अच्छी चीजें बताया पूछो। राम ने कहा नहीं। तो लक्ष्मण ने क्या किया? मैंने सोचा एक ही रास्ता। तो लक्ष्मण ने कहा हे राम, आप जाओगे आपका सेवा कौन करेगा? आपके लिए प्रणशाला कौन बनाएगा? आपके लिए बड़ी कौन बनाएगा? आप सीता के साथ में रहोगे तो आपके लिए मैं क्या करूंगा? भोजन बना के लाऊंगा, मैं आपके लिए भोजन पकाऊंगा, कंदमूल लेके आऊंगा, आपके लिए बैठने की जगह बनाऊंगा, सोने के लिए आसन बनाऊंगा, आपके लिए घर बनाऊंगा, सब कुछ बना सर्वम करिष्यामि, आपके लिए सब कुछ करूंगा। तो राम ने कहा वो ठीक है, मेरी माँ को देखभाल करो। नहीं, राम ने कहा लक्ष्मण को देखो, सुमित्रा का पुत्र है, सुमित्रा के देखभाल करने के लिए कौन है? शत्रुघ्न है, लेकिन इसका एक पुत्र है, रह जाएगा। और कैकेयी को देखभाल करने के लिए मुझे तो जंगल जाना पड़ेगा। अभी मेरी माँ जो है कौशल्या, उनको कौन देखभाल करेगा? इसने मेरी आज्ञा है तुम कौशल्या को देखभाल, कौशल्या को देखभाल। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है, कौशल्या की देखभाल जो सीता करेगी, सीता को छोड़ दो, मैं तुम्हें आपके साथ चलूंगा। तो राम ने सोचा और कि मैं क्या बोलूं अभी, पर नहीं नहीं सीता जो है वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, बिचारी वो मेरे बिना रह नहीं सकती। ऐसा रोना शुरू कर लक्ष्मण ने, आप ऐसे कैसे सोच लिया, सीता आपके बिना नहीं रह सकती, क्या मैं आपके बिना रह सकता हूं? दो बार, पहला रात है भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण सीता एक पेड़ के नीचे। तो ऐसे राम ने कहा लक्ष्मण वापस जाओ, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही, उनको कौन देखभाल करेगा, बड़े बिचारी अकेली रोती होगी, तुम जाओ। लक्ष्मण चरण पकड़ लिए, कहा हे राम आप ये बात सीता को क्यों नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि आप ये सोचते हो कि सीता आपसे इतना प्रेम करती है और मेरे हृदय में आपके इतना प्रेम नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार का आदेश दे रहे हो ना। इतना जोर जोर से रोने लगा राम का हृदय द्रवीभूत हो गया, चलो साथ नहीं चलो। यानी राम के प्रति जो अत्यंत आसक्ति जो है, राम के बिना जी नहीं पाना, ये लक्ष्मण का स्वभाव स्वभाव है। लक्ष्मण का इसको परार्थ सेवा कहा, परार्थ भाव। अभी दूसरी ओर भरत, भरत ने क्या सिखाया? भरत आए उस समय जब ये घटना घटी, राम लक्ष्मण सीता जब अयोध्या से निकले, उस समय भरत और शत्रुघ्न
अयोध्या में नहीं थे। जैसे उनका विवाह हुआ, भरत जो है उन्होंने कहा कि उनके मामा ने कहा था कि थोड़ा सा उनके माँ के घर में जाना है, तो वो निकल गया था भरत। और भरत जहाँ है, भरतस्यापि शत्रुघ्नो, शत्रु भी भरत के साथ में चला गया। तो उस समय राम और लक्ष्मण ही थे, भरत और शत्रुघ्न नहीं थे। तो आने के बाद खबर दिया गया भरत को, अयोध्या जल्दी आ जाओ, उनको मालूम नहीं उनका पिता का मृत्यु हुआ सब पता नहीं, जल्दी आओ कर खबर मिला। जैसे भरत पहुंचा तब उनकी क्या स्थिति है, माँ के पास गया, बड़ा लंबा चौड़ा संवाद। उस समय ओ अयोध्यापति अयोध्या रेश आओ, तो तुरंत क्या आप क्या बात कर रहे हो, अरे बेटा भरत तुम ही तो राजा हो, इस प्रकार कह के बोले। तो भरत तो पूछ रहे पिताजी कहाँ है, जहां सब लोगों को जाना है एक दिन उधर चले गए। देखो कितना कठोर हृदय है। उस समय भरत को ऐसे मालूम पड़ा तो अपनी माँ को इतना डांटता अभी सीधा सारी सेना को लेके, तो माँ को भी साथ में लेके गए और भरत मिला चित्रकूट में, भगवान रामचंद्र है उधर। भरत एक एक कदम रखते हुए चित्रकूट पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है। नमे शांतिर्भविष्यति, नमे शांतिर्भविष्यति, नमे शांतिर्भविष्यति, ऐसे करीबन 10-12 श्लोक उच्चारण करता है भरत। इसके अंदर कहता है जब तक यावन्न चरणों, भगवान का जो चरण कमल है जब तक मेरे सर के ऊपर धारण नहीं होता, जब उनका चरण कमल दर्शन नहीं होता मुझे शांति नहीं है। जब तक भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या नहीं आएंगे, राजा नहीं बनेंगे, तो मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं है। जब तक मैं उन भगवान के राम को अयोध्या में राजा के रूप में देख के उनका चरण कमलों का सेवा नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं है। बहुत रोया राम से मिलते, राम ने बहुत प्रयास किया भरत को समझाने के लिए, लेकिन राम ने कहा ठीक है मैं राजा हूं और तुम सेवक हो, और मेरे जो पादुका है वो भी प्रतीक रहेंगे। तो तुरंत भरत जो है वो बड़ा आनंद के साथ उन चरणों को, उन चरण पादुकाओं को सर पे धारण करके आनंद से निकल पड़ा। चलो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, वैसे राजा कौन है, राम है, और मैं केवल सेवक मात्र हूं और मैं राम के ऊपर निर्भर करता हूं। राम मेरे द्वारा एक राज्य चला रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, एक राज राम का और सेवा मेरा, राज्य किसका, राम, सेवा और मैं, मेरा विवाह जो से हुआ है राम की सेवा के साथ हुआ। ये दूसरी ओर शत्रुघ्न कौन है, जहां भरत उधर शत्रुघ्न, उनको ना राम से लेना देना है ना लक्ष्मण से लेना देना है, किससे लेना देना है, भरत से लेना देना है। क्यों, भरत जो है राम का सेवक है, मेरा काम क्या है, सेवकों का सेवा कर, बस ये भागवत। इस प्रकार ये चारों भरणात भरत, यानी जिनका राज उनका राज्य नहीं है, किसी और का राज्य है, राम का राज्य है, उसको अपने सर पे धारण किया ये भरत, इसको मोक्ष कहा गया, मोक्ष का मूर्तिमान स्वरूप है। क्यों मोक्ष का मूर्तिमान स्वरूप है, प्राय लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब साथ जंगल जंगल में बैठना है, बस भजन करना है, मोक्ष मुक्ति का बस मोक्ष, लेकिन वो नहीं है। मोक्ष मतलब भरत ने सिखाया, आपका नहीं है राज्य, उसको अपने सर पे धारण करो सेवा। देखिए अपना घर चलाना वो बड़ी बात नहीं है, ये मंदिर है, ये मंदिर आपका वास्तविकता में यही आपका घर, लेकिन आपके नाम पे नहीं, आपका नहीं है, फिर भी आपका है एक समझ के इसका टेंशन लेना, इसको मोक्ष कहा गया है। इसको कैसे चलाना, अपना अपना घर को चलाने का जो टेंशन जो है हर व्यक्ति लेता ही, लेकिन भगवान का जो घर है उसको कैसे चलाएं, इसका जो भार अपने सर पे उठाता है उसको भरत कहा गया है, उसको ही मोक्ष कहा गया है, उसको ही मोक्ष कहा गया है।
जितना भगवान की सेवा का जवाबदारी, जितना भी भगवान का सेवा का, मंदिर बनाने का, मंदिर चलाने का, भगवान का नाम का प्रचार करने का, ग्रंथों का वितरण करने का, जितना सर पे जिम्मेदारी लोगे, जितना उसके लिए टेंशन लोगे, उतना आप मुक्त हो। इस पे सीधी सीधी बात, जितना अपना घर चलाने के लिए टेंशन लोगे उतना बंधन में हो। टेंशन लेना है, ये बिना कोई रह नहीं सकता। आप अपना घर चलाने का टेंशन लोगे उतना बंधन में हो, जितना मंदिर चलाने का, मंदिर बनाने का टेंशन लोगे उतना मुक्त हो। कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, हमारे गुरु जी है, उनका सुरेंद्र गोपाल इतने सारे मंदिर चलाते, मुझे प्रसन्न कैसे था, मुस्कुराते रहते हैं, कैसे वो सब पूछते रहते, क्या क्लास वाइज क्या मुझे, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा यही रहस्य, क्योंकि मुक्त आत्मा है। क्यों मालूम है? वो इतने सारे मंदिरों को चलाने का जो जवाबदारी लिए है, उसके लिए टेंशन लेते, उसकी वजह से वो टेंशन फ्री है। क्योंकि आप अपने दो चार लोग घर में उसको चलाने के आप टेंशन ले रहे हो, इसकी वजह से आपका चेहरा देखो उतरा हुआ है टेंशन। ये एकमात्र रास्ता है, इसलिए हम मंदिर बनाते हैं, इसलिए हम मंदिरों का केंद्र खोलते, अलग अलग जगह खोलते। क्यों? जहां जहां खोलेंगे, जिस जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और छोटी सी भी सेवा का जिम्मेदारी लेते हैं, उनका भगवान अपना घर चलाने का उन लोगों उनका टेंशन भगवान ले। आप भगवान का टेंशन लो, आपका टेंशन भगवान ले ले। आप भगवान का टेंशन लो बस। भगवान का टेंशन क्या है? धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना कैसे होगी? एक केंद्र होगा तभी तो होगा। तो आप सब लोग मिलके भरत बनिए, और भरत बनेंगे और साथ साथ में लक्ष्मण बनिए, विग्रह से आसक्त रहिए, आके भगवान के मंदिर में झाड़ू मारिए, आके सब्जी काटिए और फूलमाला बनाइए और अनेकों अनेकों ऐसे सेवाएं करो। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए दर्शन के बिना हो, ऐसे भगवान का सीधा आसक्त। और भी तीसरा, शत्रुघ्न बनो। कैसे शत्रुघ्न बनोगे? जब आप भक्तों की सेवा करोगे। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जो है, उसका एक नया ही केंद्र खुला है। कितना? जनवरी में खुले थे लोग, नवंबर में खुले थे। अभी कितना हुआ? 4-5 महीना हुआ है। तो 4-5 महीने में आपने अच्छा प्रगति किया है, लेकिन फिर भी हमारे 4-5 बच्चे आपके शहर में आए हैं, तो उनका सेवा करो, उनके जरूरतों पूछो, क्या सेवा करना है। और भी बहुत सारे भक्त हैं, उनकी सेवा करो। जब भक्तों की सेवा करोगे शत्रुघ्न बनोगे। आप जब मंदिर बनाने का मंदिर चलाने का टेंशन लोगे तो भरत बनोगे, और जब मंदिर में दर्शन करोगे बड़े प्रेम से और थोड़ा सा निजी सेवाएं करोगे भगवान का, लक्ष्मण होंगे। और साथ साथ में आप अपने शहर में, परिवार में अन्य जितने भी सदस्य आपके साथ में रहने वाले हैं, उन सबके साथ प्रेम का संबंध बना के रखोगे, ऐसा संबंध ताकि आप के बिना वो जी नहीं सकते, आपसे इतना प्रेम करने लग जाए, ऐसा अगर व्यवहार रहेगा आपका, तो आप राम बनोगे। तो इसलिए भगवान रामचंद्र चार रूप में, भगवान स्वयं नारायण चार रूप में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होके हमको बाह्य प्रवृत्ति राम के रूप में और आत्मा की प्रवृत्ति जो है भगवान से आसक्त रहना लक्ष्मण सिखाया, सेवा से आसक्त रहना भरत ने सिखाया, भक्तों की सेवा करना जो है वो शत्रुघ्न ने सिखाया। यह है रामायण का सार, जो वेदों को पढ़ने के बाद भी जो समझ में नहीं आता, तो स्वयं रामायण में सरल रूप में एक बहुत सुंदर सा एक लीला करके भगवान ने हमको शिक्षा प्रदान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।